ये सिलगी नदी है। ये बीड़ी जलाने का एक नया तरीका हमने यहाँ पे देखा। नर्मदेहर उत्तर तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग ग्राम सहपुरा जिला डिंडोरी झारिया सेवा समिति सहपुरा द्वारा बंजर हरिहर आश्रम से ये अगला स्थान है सहपुरा में, जहां परिक्रमावासी रुक सकते हैं। दूरी 7 किलोमीटर। दादा यहां पर 20 साल से सेवा में हैं। दादा नर्मदेहर, नाम क्या है आपका? हर प्रसाद नर्मदेहर। नर्मदेहर भैया, नर्मदेहर क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार झारिया। जी झारिया। नर्मदेहर नर्मदेहर सुखलाल झारिया। नर्मदेहर नर्मदेहर। ये धर्मशाला में परिक्रमावासियों की रुकने की व्यवस्था है। झारिया सेवा समिति का ये किचन है। समिति के कुछ सदस्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। दादा नर्मदेहर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश प्रसाद है। जी, आप सभी परिक्रमावासियों को सेवा देते हैं। नर्मदेहर 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 उत्तर तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग सहपुरा से ये अगला स्थान है बरगांव, जहां परिक्रमावासी रुक सकते हैं। सहपुरा से बरगांव की दूरी 7 किलोमीटर है। माँ नर्मदा परिक्रमा सेवा समिति बरगांव जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश। ये सिलगी नदी है। नदी के बगल में ही ये स्थान है। ये सिलगी नदी आगे जाकर नर्मदा जी में ही विलीन होती हैं। उत्तर तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश। नर्मदेहर नर्मदेहर उत्तर तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग बरगांव से 19 किलोमीटर आगे ये अगला स्थान है आनाखेड़ा ग्राम जिला डिंडोरी, जहां परिक्रमावासी रुक सकते हैं। बरगांव से आनाखेड़ा की दूरी 19 किलोमीटर है। विक्रमपुर से 5 किलोमीटर पहले है ये स्थान। उत्तर तट नर्मदा परिक्रमा मार्ग जिला डिंडोरी
मध्य प्रदेश, नर्मदेहर उत्तर तट, नर्मदा परिक्रमा मार्ग आनाखेड़ा से 5 किलोमीटर आगे ये अगला स्थान है जहाँ परिक्रमावासी रुक सकते हैं। ग्राम विक्रमपुर, जिला डिंडौरी, मध्य प्रदेश, स्वर्गीय सेठ मूरत लाल गुप्ता जी धर्मशाला। धर्मशाला के बगल में राम मंदिर है। ये बीड़ी जलाने का एक नया तरीका हमने यहाँ पे देखा। जी हाँ, जलाइए। रुई में आग लग जाती है। क्या नाम है दादा? धानु सिंह विके। कहाँ रहते हो? बड़झर, जिला डिंडौरी। हाँ, जिला डिंडौरी। सामान दिखाना जलाने वाला, क्या क्या है? ये है। ये पत्थर, रुई कहाँ है?